नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कवि नरेंद्र मांडलिक जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। कविता का जो रूप है, जब से कविता शुरू हुई होगी किसी काल में, तो वो आज आकर कितना बदल गया है। साहित्य का सबसे पहला रूप कविता ही है। जितने भी धर्मों के ग्रंथ लिखे गए वो सब काव्यमय है। आप बाइबिल को ले, गीता को ले, रामायण को ले, कुरान को ले, सब पद्य रूप में उपस्थित है। वाल्मीकि कवि बने तो एक उसका ऐसा है कि उन्होंने एक कौंच पक्षी के वध को देख लिया तो उनके हृदय द्रवित हुआ और कविता का जन्म। रस से भरा हुआ वाक्य ही कविता है। रसात्यकम वाक्यम काव्यम, जिसमें रस आए वो कविता है। और लोग आजकल अधिक कविता को सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें एक रस है और एक संदेश भी है। तो अब हिंदी, मालवी, ये जैसे मालवा का अंचल है, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी तो बोलते ही है, परंतु आपसी जब पारिवारिक चर्चा करते हैं तो उसमें मालवी का पुट जरूर होता है। आप लगातार कवि सम्मेलनों में जाते हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपकी कविताएं प्रसारित होती हैं। हिंदी कविता का तो एक बड़ा रूप है इसे। आपने कहा कि मालवा में मालवी कविता है, तो क्या मालवी कविताओं के कवि सम्मेलन भी होते हैं? तिवारी जी, एक समय था 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने मालवी कवियों की एक टीम बनाई थी और वो उस युद्ध काल में कवि सम्मेलन हर जिले में करती और एक राष्ट्रीयता का संदेश देती। उस समय थे आनंद राव जी दुबे, भावसार वा, बैरागी जी, गिरवर सिंह जी भवर, सुल्तान मामा, ये कवि गांव गांव में बैठ करके कविता करते थे। जैसे बैरागी जी ने लिखा है, ओ गोरा रे, ओ बादल रे, बरस परो घनघोर रे, मारू बाजे देश बजे देश में चंड रण चंडी का शोर रे। ये बहुत पुरानी कविता, आज से 62 की कविताएं हैं। भंवर जी गाते थे कि मुझे हिगुला की टीकी लगा दे मारी बाय, मारा साहेबाजी रण में जावे ना, मुझे सिंदूर लगा श्रृंगार कर, मेरा पति शहीद होने वाले हैं। भाव और इंदौर के कवि आनंद राव जी दुबे साहब तो ऐसा लिखते थे कि जो आज लोकोक्तियां बन गई है, मुहावरे बन गए, कि रामा जी रैया रे रेल जाती। एक कविता उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, ऐसी हमारा नाना की लाड़ी, खूब देखी खूब पढ़ी, निकली पाड़ी की पाड़ी, ऐसी हमारा नाना की लाड़ी, घड़ी ने 5 बजाई, कब बस्सी चा की सजाई, साथ में सिनेमा चलिया, ऐसी चली जाए नहीं देखे घोड़ा ने गाड़ी, ऐसी हमारा नाना की लाड़ी। तो एक युग था पूरा। पर अब मालवी में जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे बरसात में जुगनू चमकता है ना, कि कभी कभी चमक जाते हैं। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि रचनाएं अपनी हिंदी की होती है और मान लो कि आकाशवाणी ने मांगी या दूरदर्शन में मांगी तो उसका थोड़ा सा मालवी का पूर्ण दे करके उसको प्रसारित कर, मालवीकरण कर देते हैं। वो शुद्ध मालवी नहीं होती, नहीं हो पाते, पर कुछ लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक मालवा मंच है, उसमें मनोहर जी जुए थिएटर भी बनाया है, उसके मालवी मेला भी लगता है और उसमें इन सब बातों को होता है। पर गांव में आज भी जब शादी ब्याह होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अब शहरों में तो रूप बदल गए, तो मालवी गीत से ही उस शुभारंभ होता है। सबसे पहले गणपति बनाया जाता है कि चलो हो कोठारी घरे चाला, तो अच्छा अच्छा लगन लिखा हुआ, कोठारी गादी पे इंदर गाजे, ऐसी कविता प्रभाती गाते हैं। और
जब दूल्हे या दुल्हन को हल्दी लगाते हैं या घोड़ा घोड़े पे लाड़ा बैठता है, तो ये इस सब के अलग अलग लोकगीत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कुमारी लड़कियां या जिन नवविवाहित तो संध्या बनाती है, संध्या उसकी 15 दिन पूजा होती है, उसमें जितने भी गीत हैं सब मालवे में गाए जाते हैं। आपके लिखे हुए किसी गीत या कविता को अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? मेरी एक कविता बड़ी प्रसिद्ध है, अखिल भारतीय जमाई संघ। जैसे इस प्रजातंत्र में हर आदमी अपना एक संघ बनाता है, तो क्यों ना हम एक जमाइयों का संघ बनाए। कविता बड़ी लंबी है, पर कुछ 4-5 पंक्तियां उसकी मैं आपको सुना रहा हूं कि जमाई ससुराल में जाएगा तो उसकी ये मांगे रहेगी कि उसकी पहली मांग ये है कि हम सासरे आवा तो लस्सी को ग्लास लेके दौड़े हमारा साड़ा, क्योंकि हम तुम्हारी प्यारी बहन का ओरिजिनल घरवाड़ा। और कारक में यूं मत लिखा करो, राजमान राजेश्वरी श्रीमान भंवर साहब। कारक में यूं मत लिखा करो, राजमान राजेश्वरी श्रीमान भंवर साहब। कारक में यूं लिखो, ही इज आइंडेस ऑनरेबल कंवर साहब। और हम साथ रहे वहां तो जो लुबेना जोर जोर से नियंत्रण। हमारे मालवे में प्रथा है कि पहले जमाई गांव में आता था तो स्त्रियां इकट्ठी होती थी और वो जमाई की प्रशंसा में या उसके स्वागत में गीत गाती थी, तो उसका रूप बदल गया। तो हम साथ रहे हुआ तो लुबेना जोर जोर से नहीं अल्लाह हुए और झुम बराबर झुम दिया कि को गाने सब गावे। तो इस प्रकार की एक पूरी रचना है, वो बड़ी लंबी सी रचना है। और अभी एक रचना मैंने आकाशवाणी से पढ़ी थी कि उम्र को जब आखिरी पड़ाव आई गयो, उम्र को जद आखिरी पड़ाव आई गयो, पांव थकने लगे ने चढ़ाव आई गयो। उम्र को जब आखिरी पड़ाव आई गयो, पांव थकने लगे ने चढ़ाव आई गयो। ऐसी ही कोई कविता हिंदी की भी, हिंदी की जिंदगी एक घास है, जिंदगी एक घास है जिसके हरी रहने पर कभी कभी उसे दुर्घटना का ढोर चढ़ जाता है। जिंदगी एक घास है जिसके हरी रहने पर कभी कभी उसे दुर्घटना का ढोर चढ़ जाता है और सूख जाने पर मृत्यु का हसिया काट ले जाता है। जिंदगी एक घास है। अब 4 पंक्तियों की रुबाई भी सुनिए। नया वर्ष है, आपके .com से मैं जो दर्शक है उनके लिए अपनी 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि जिंदगी को जिंदगी सा जीते रहो तुम, जिंदगी को जिंदगी सा जीते रहो तुम, अमृत या फिर विष मिले पीते रहो तुम। कभी सुई टूटे तो कभी धागा फूटेगा, उमरिया की चीर को सीते रहो तुम। जिंदगी को जिंदगी का जीते रहो तुम। जिंदगी एक आनंद है, पाते रहो। जिंदगी एक आनंद है, पाते रहो। और जिंदगी कलाकंद है, खाते रहो। जिंदगी एक आनंद है, पाते रहो। और जिंदगी कलाकंद है, खाते रहो। और दुख चिंता और घुटन को भूल कर जिंदगी एक छंद है, गाते रहो गाते रहो गाते रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कहते हैं कि ये जीवन में क्या रखा है, जीवन का मतलब है सजावट करना, भावना की सजावट, शरीर की सजावट। जी, इसकी सजावट बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां देखिए। जिंदगी एक श्रृंगार है, सजाते रहिए। जिंदगी एक गिटार है, बजाते रहिए। अमान ईशा की रात हो या हो पूर्णिमा, जिंदगी एक त्योहार है, मनाते रहिए। बहुत सुंदर, मनाते। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात। तो ये थे धार जिले के डिकठान से आए वरिष्ठ कवि नरेंद्र माडलिक जी, जिन्होंने मालवी हिंदी कविता हमें सुनाई।